G20 समिट के तहत हुई बैठकें ये दिखाने के लिए काफी है कि शुक्रवार का दिन ओसाका में भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ। पीएम मोदी ने एक के बाद एक दुनिया के बड़े देशों के प्रमुखों के साथ बैठक कर अपने हिस्से की रणनीति और राय दुनिया के सामने रखी। सबसे अहम मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई। समिट में आने से पहले ही ट्रंप ने एक तरह से टैरिफ के मसले पर बैठक का एजेंडा तय कर दिया था। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि बातचीत के एजेंडे में ईरान, 5G, रक्षा संबंध और द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दे अहम हैं। समय की सीमा में मैं जरूर चार विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका में दोस्ती दिन ब दिन गाढ़ी होती जा रही है। Well, thank you very much, Mr. Prime Minister, and we've become great friends, and our countries have never been closer. दोनों देशों के बीच एक घंटे तक बातचीत हुई। The Prime Minister did mention in particular that we had taken some action after the GSP was revoked. That was now something that had already happened, and we should now look forward, and we should see how we can resolve some of these issues. वहीं G20 समिट में शिरकत कर रहे पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ भी अहम मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और साउथ कोरिया की न्यू सदन पॉलिसी में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए। कोरिया सदन पॉलिसी एंड इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड द टू प्राइम मिनिस्टर्स हैव डिस्कस्ड सेटिंग अप द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म और अ चैनल फॉर डिस्कशन टू एंश्योर दैट दिस इज सिनर्जाइज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। G20 समिट भारत के लिए कई तरह से अहमियत रखता है। इस मंच के जरिए भारत जैसे देश ब्रिक्स जैसे दूसरे छोटे ग्रुप्स के अलावा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा पाते हैं। डिप्लोमेसी के लिहाज से ये बैठकें काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस।